नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, सौ प्रथम अपने छंद की व्याख्या समझी लीए। संस्कृत काव्य के श्लोक नु गान करती वक्त मधुरता लावा माटे एटले के लयबद्ध रीते गान करवा माटे पंक्ति में रहेला शब्दों की गोठवणी नियम अनुसार थयेली होवी जोईए। नियम अनुसार थयेली आ मेळवाळी गेय शब्द रचना ने छंद कहे छे। सरल संस्कृत ना आजना वीडियो में आपणे धोरण 11 छंद परिचय विभाग नो बीजो छंद मंदाक्रांता छंद जोईश। आ छंद नु लक्षण छे मंदाक्रांताम बुधिर सन गैरमो बनवतो गयुग्मम। आ छंदना दरेक चरण में 17 अक्षर होय छे। आ 17 अक्षरों में अनुक्रमे मगण भगण नगण अने बे वार तगण होय छे। चरणना अंत में गयुग्मम, गयुग्मम एटले के बे अक्षर गुरु होय छे। आ छंदना लक्षण में अपने अंबुदी शब्द जोवा मळे छे। अंबुदी शब्द नो अर्थ थाय छे समुद्र। भारतीय शास्त्रों प्रमाणे समुद्रों की संख्या 4 छे। ते समुद्रों में लवण, इक्षुरस, सुरा अने क्षीरनो समावेश थाय छे। आम अंबुदी शब्द 4 नी संख्या दर्शावे छे। त्यार बाद बीजो अक्षर छे रस। भोजनना रस 6 छे, तेथी रस शब्द 6 नी संख्या दर्शावे छे। अने त्यार बाद नग शब्द आपेलो छे। शास्त्रों प्रमाणे पृथ्वी पर मोटा पर्वतों नी संख्या 7 छे। ये पर्वतों में महेंद्र, मलय, सह्य, शुक्तिमान, गंधमादन अने विंध्यनो समावेश थाय छे। आम अंबुदी शब्द 4 नी संख्या दर्शावे छे, रस शब्द 6 नी संख्या दर्शावे छे अने नग शब्द 7 नी संख्या दर्शावे छे। आना उपरथी ये समझवानुं छे के मंदाक्रांता छंदना चरण में चौथा, छठा अने सातमा अक्षर पछी यति आवे छे। यतिनो अर्थ थाय छे काव्यनुं गान करती वखते वच्चे लेवामां आवतो विराम। विष्णु भगवानमां खूब ज जाणीतो श्लोक शांताकारं भुजगशयनं मंदाक्रांता छंदनुं एक उदाहरण छे। आ श्लोकनो गुजराती अनुवाद आ प्रमाणे छे। जेमनी आकृति अति शांत छे, जे शेषनागनी शैया पर शयन करे छे, जेमनी नाभीमां कमळ छे, जे देवताओना पण ईश्वर छे, जे संपूर्ण जगतना आधार छे, जे आकाशनी जेम सर्वत्र व्याप्त छे, जेमनो रंग नीलमेघ जेवो छे, जेमना बधा ज अंगो खूब ज सुंदर छे, लक्ष्मीपति एवा जेमना नयनो कमळ जेवा सुंदर छे, जेमने योगीओ द्वारा ध्यान करीने मेळवी शकाय छे, जे जन्म मरणना भयनो नाश करे छे, एवा बधा ज लोकोना स्वामी श्री भगवान विष्णुने हुं नमन करू छुं। मित्रों, हवे आपणे शांताकारं भुजगशयनं श्लोकमां मंदाक्रांता छंदना लक्षणने चकासी लईए। आ श्लोकना दरेक चरणमां 17 अक्षर छे। प्रथम चरणमां शांताकारं 4 अक्षर, भुजगशयनं 6 अक्षर अने पद्मनाभं सुरेशं 7 अक्षर, एम कुल मळीने 17 अक्षर छे। दरेक चरणनी शरूआतमां अनुक्रमे सौ प्रथम मगण, मगणनुं बंधारण छे गुरु गुरु गुरु, त्रणे अक्षर गुरु होय छे, ते प्रमाणे शांताका त्रणे अक्षर गुरु छे। त्यारबाद भगण होय छे, भगणमां गुरु लघु लघु, ते प्रमाणे रम गुरु अक्षर छे अने भूज बंने लघु छे। गुरु अक्षर दर्शावा माटे शब्द ऊपर आडी लीटीनું નિશાન મૂકવામાં આવે છે, જ્યારે લઘુ અક્ષર દર્શાવવા માટે શબ્દ ઉપર અર્ધચંદ્રાકાર નું નિશાન મૂકવામાં આવે છે। ત્રીજો ગણ ન ગણ હોય છે, ન ગણમાં ત્રણે અક્ષર લઘુ હોય છે, તે પ્રમાણે જ ગ શ એ ન ગણ છે, અહીં ત્રણે અક્ષર લઘુ અક્ષરો છે। ત્યારબાદ ત ગણ, તગણમાં પ્રથમ બે અક્ષર ગુરુ અને છેલ્લો અક્ષર લઘુ, તે પ્રમાણે નમ અને પ
बन्ने गुरु छे अने द्म द्म जोड़ाक्षर होवाथी लघु अक्षर थाय छे अने जोड़ाक्षर आगळनो अक्षर हमेशा गुरु होय छे गुरु थई जाय छे ते प्रमाणे नम पग द्म मां बन्ने गुरु अने छिल्ले द्म लघु अक्षर छे फरीथी त गण होय छे ते प्रमाणे फरीवार बम ना बम सु आ त्रण अक्षरों में ना गुरु बम गुरु अने सु लघु अक्षर छे अने छिल्ले बन्ने अक्षर गुरु होय छे रे अने शम बन्ने अक्षर गुरु छे। आ गाउ में छंद परिचय शीर्षक हेठळ वीडियो अपलोड करेल छे ते वीडियो में मैं छंदना विविध घटक जेवा के चरण गण यति लघु गुरु अक्षर अने य मा ताराज भानु सलगा सूत्रनी विस्तृत चर्चा करेल छे। दरेक चरण में प्रथम चार अक्षर त्यार बाद छठा अक्षर पछी अने छिल्ले सातमा अक्षर पछी यति आवे छे। यति एटले के श्लोकनु गान करती वक्ते वच्चे लेवामां आवतो विराम। प्रथम चरणनु जो आपणे गान करिए तो सौ प्रथम शांताकारम शब्द पछी विराम लेवो पड़े छे। आम अहीं शांताकारम चार अक्षर पछी विराम छे त्यार बाद छ अक्षर भुजग शयनम पछी विराम लेवो पड़े छे यति आवे छे अने छिल्ले सात अक्षर पछी पद्मनाभम सुरेशम सात अक्षर पछी यति आवे छे। आम आ श्लोकमां मंदाक्रांताना तमाम लक्षणों जोवा मळे छे।